नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। हर महीने न्यू और फ्रेश रिलीज कंटेंट के लिए आपकी तलाश द चॉइस बॉक्स के मंथ एंडर वीडियोस पर आकर खत्म होती है। मंथ एंडर वीडियो के थ्रू मैं उस पर्टिकुलर मंथ में रिलीज हुई सभी मूवीज में से 10 बेस्ट मूवीज आपके लिए लेकर आता हूँ। तो इस बार अप्रैल 2021 का मंथ एंडर वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 बेस्ट मूवीज रिलीज इन अप्रैल 2021। हर बार की तरह बेस्ट इंडियन और फॉरेन लैंग्वेज मूवीज आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो न्यू और फ्रेश रिलीज्ड बेस्ट मूवीज की लिस्ट के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। क्वेरीज के लिए और मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, एड्रेस इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है स्टॉवे। ये एक साइफाई थ्रिलर फिल्म है जो 22 अप्रैल 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। दोस्तों, फिल्म का जो टाइटल है स्टॉवे, इसका मतलब होता है एक सीक्रेट ट्रैवलर, ऐसा पर्सन जो किसी शिप, एयरक्राफ्ट, ट्रेन जैसे व्हीकल में सीक्रेटली ट्रैवल करता है। ये फिल्म ऐसे ही एक सीक्रेट ट्रैवलर की स्टोरी हमें दिखाती है। 3 पर्सन का एक क्रू 2 ईयर्स के मार्स मिशन पर निकलता है और अचानक एक अनप्लान्ड पैसेंजर की प्रेजेंस उनके सामने हार्ड चॉइसेस रखती है। इस एक सीक्रेट ट्रैवलर की वजह से इन तीनों क्रू मेंबर्स को बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। इस तरह ये मिशन उनके लिए हार्ड बनता चला जाता है। तो दोस्तों, ये साइफाई फिल्म देखिए और पता लगाइए कि ये सीक्रेट ट्रैवलर इस मिशन पर कैसे पहुंचा और ये मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है स्पेस डॉग्स रिटर्न टू अर्थ। इसे स्पेस डॉग्स ट्रॉपिकल एडवेंचर नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये फिल्म 2020 एंड में रिलीज हुई थी, लेकिन अप्रैल 2021 में इसके डीवीडी और ब्लू रे वर्जन रिलीज हुए हैं। ये एक एनिमेटेड फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है। ये स्पेस डॉग्स ट्रायलॉजी की 3rd फिल्म है दोस्तों। ये ट्रायलॉजी ट्रू हिस्ट्री पर बेस्ड है, जहां ये सोवियत स्पेस डॉग्स बेलका और स्ट्रेलका, जो वर्ल्ड के फर्स्ट एनिमल्स थे जिन्हें स्पेस में भेजा गया था और वहां वो सर्वाइव कर पाए थे। ये एनिमेशन फिल्म फ्रेंचाइज इन्हीं 2 हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को कॉमेडी के साथ प्रेजेंट करती है। इस 3rd फिल्म की इंटरेस्टिंग स्टोरी में हम देखते हैं कि अटलांटिक ओशन में एक मिस्टीरियस और डेंजरस वर्ल्ड पूल अपीयर होता है, तब इन एस्ट्रोनॉट डॉग्स को इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा जाता है। अब ये 2 फनी कैरेक्टर्स कैसे इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये आप फिल्म देखकर डिस्कवर कीजिए। नंबर 8 पर है टॉम क्लेंसीज विदाउट रिमॉर्स। ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टार माइकल बी जॉर्डन स्टारर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो जैक रायन फिल्म सीरीज की स्पिन ऑफ भी है। ये 1993 की नॉवल विदाउट रिमॉर्स पर बेस्ड है। 1993 से ही इस फिल्म का डेवलपमेंट शुरू हो गया था। कियानू रीव्स और टॉम हार्डी को इसमें लीड रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन फाइनली 2018 में माइकल जॉर्डन को लीड रोल में अनाउंस किया गया और वो इस रोल में परफेक्टली सूट हुए। उनकी परफॉर्मेंस को फिल्म की स्टोरी और अदर एस्पेक्ट से ज़्यादा तारीफें मिली हैं। इस फिल्म की स्टोरी एक US नेवी सील को फॉलो करती है जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और यूनिट मेंबर्स के मर्डर का बदला लेने के लिए अकेला ही इस रिवेंज मिशन पर निकलता है, और ये अकेला सोल्जर सभी कल्प्रिट्स की मुश्किलें बढ़ा देता है। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह माइकल बी जॉर्डन के फैन हैं तो इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को ज़रूर ट्राई कीजिए। यह अमेजन प्राइम पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 7 पर है वाइल्ड डॉग। ये एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 2 अप्रैल 2021 को थिएट्रिकली रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस बॉम्ब साबित हुई। इस अमेजिंग थ्रिलर फिल्म की स्टोरी एक काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स एजेंट को फॉलो करती है, जो 2007 में हैदराबाद में हुई 2 साइमल्टेनियस बॉम्बिंग्स को इन्वेस्टिगेट करता है। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड थ्रिलर मूवीज पसंद करते हैं तो इस फिल्म को जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ साथ अमेजिंग स्टार कास्ट और उनकी अमेजिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है वी। ये एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 2021 में अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई थी, लेकिन 2021 में इसे थिएटर्स में रिलीज किया गया और फाइनली 2021 में इसका हिंदी डब्ड वर्जन प्राइम पर रिलीज हुआ। फिल्म में हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस मर्डरर वी एक सबसे बेस्ट और ऑनरेबल पुलिस ऑफिसर को चैलेंज करता है। अब ये पुलिस ऑफिसर इस किलर को पकड़ना चाहता है, लेकिन वी हमेशा पुलिस से एक कदम आगे रहता है। अब इस मिस्टीरियस मैन वी की पूरी स्टोरी क्या है, ये आप फिल्म देखकर पता लगाइए। फिल्म में लीड रोल में है सुपरस्टार नानी। उनका किलर लुक, अमेजिंग डायलॉग्स और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आपका दिल जीत लेने वाली है। तो इस फिल्म को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। नंबर 5 पर है फ्लाइट। ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसकी मिस्ट्री और थ्रिल से गार्निश्ड स्टोरी धीरे धीरे एक सर्वाइवल थ्रिलर में बदल जाती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में जब स्टोरी में ये चेंजेस आ रहे होते हैं, तब स्टोरी बहुत ही अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बन जाती है, लेकिन सेकेंड हाफ में जब ये चेंजेस आ चुके होते हैं तब स्टोरी प्रिडिक्टेबल बन जाती है और थोड़ा डल पड़ जाती है, लेकिन फिल्म की स्टार कास्ट फिर भी व्यूअर्स को बांधे रखती है। फिल्म की थ्रिलिंग स्टोरी लीड कैरेक्टर रणवीर मल्होत्रा को फॉलो करती है, जिसकी लग्जरियस प्लेन जर्नी एक सर्वाइवल बैटल में बदल जाती है। उसका प्लेन ऑफ ट्रैक हो जाता है और लीड कैरेक्टर जिंदा बचने की हर कोशिश करता है। अब वो इस एक्सीडेंट में सर्वाइव कर पाता है या नहीं, ये मिस्ट्री तो फिल्म देखने के बाद ही आप सॉल्व कर पाओगे। ये फिल्म अनऑफिशियल सोर्सेज पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पर है मॉर्टल कॉम्बैट।
ये एक मार्शल आर्ट फैंटेसी फिल्म है जो फेमस वीडियो गेम फ्रेंचाइज मॉर्टल कॉम्बैट पर बेस्ड है और ओल्ड मॉर्टल कॉम्बैट फिल्म सीरीज का रिबूट भी है। ये फिल्म 8 अप्रैल 2021 को इंटरनेशनली रिलीज हो गई थी और 23 अप्रैल 2021 को इसे US थिएटर्स में रिलीज किया गया और साथ ही ये HBO Max पर भी रिलीज हुई। HBO Max की ये आज तक की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लॉन्च रही। इस फिल्म की इंटरेस्टिंग स्टोरी लीड कैरेक्टर को फॉलो करती है जो अपने आप को प्रिपेयर करता है आउट वर्ल्ड के एनिमीज के साथ अर्थ की ग्रेटेस्ट चैंपियनशिप के लिए। तो दोस्तों, फैंटेसी और मार्शल आर्ट वाली एक्शन से भरपूर ये ग्रेटेस्ट चैंपियनशिप आपको भी मिस नहीं करनी चाहिए। ये पॉपुलर एक्शन फिल्म आपको एक बार तो जरूर ट्राई करनी चाहिए। ये अनऑफिशियल सोर्सेज पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है टुगेदर। ये एक अमेजिंग कॉमेडी फिल्म है जिसकी स्वीट एंड सिंपल स्टोरी और इसके इंप्रेसिव फनी मोमेंट्स इसे एक फुल्ली एंटरटेनिंग फिल्म बना देते हैं। फिल्म की इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें दिखाती है कि एक यंग लोनली गर्ल 40s के एक मैन के बेबी की सरोगेट बनती है। अब उनके अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप से धीरे धीरे फैमिली, लव और कनेक्शन के लिए उनके परसेप्शंस बदलने लगते हैं। तो अगर आप स्वीट एंड सिंपल स्टोरी वाली मूवीज देखना पसंद करते हैं तो दो स्ट्रेंजर्स की ये ब्यूटीफुल लाइफ जर्नी आपको बहुत पसंद आने वाली है। फिल्म के फनी मोमेंट्स और एक्टर्स की अमेजिंग परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी। तो इस ब्यूटीफुल कॉमेडी फिल्म को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। नंबर 2 पर है नोबडी। ये एक अमेजिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म है और ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल फेम एक्टर बॉब ऑडनकर्क की परफॉर्मेंस इस फिल्म को और भी अमेजिंग बना देती है। फिल्म की थ्रिलिंग स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसमें हम देखते हैं कि लीड कैरेक्टर जब रिसेंटली अपने घर में हुए इन्वेजन की तहकीकात करता है, इस इंसिडेंट के क्लूज को फॉलो करता है, इस दौरान वो एक डेंजरस पाथ पर पहुंच जाता है और एक वेंजफुल ड्रग लॉर्ड का टारगेट बन जाता है। इसके बाद फिल्म का रियल थ्रिल ऑन होता है। अब इस केओस में लीड कैरेक्टर कैसे अपनी फैमिली को और अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, ये आप फिल्म देखकर पता लगाइए। दोस्तों, क्राइम थ्रिलर मूवी फैंस को तो ये फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अनऑफिशियल सोर्सेज पर इंग्लिश में अवेलेबल है ये फिल्म। नंबर 1 पर है उड़ान। ये एक अमेजिंग, ब्यूटीफुल और हार्ट टचिंग ड्रामा फिल्म है जो नवंबर 2020 में अपनी ओरिजिनल तमिल लैंग्वेज में Amazon प्राइम पर रिलीज हुई और अप्रैल 2021 में उड़ान नाम से इसका हिंदी डब्ड वर्जन Amazon प्राइम पर रिलीज हुआ। ये ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड एक अमेजिंग फिल्म है जो शुरू से एंड तक आपको बांध कर रखेगी और बहुत सारे हर्ट टचिंग मोमेंट्स आपको देगी। फिल्म की स्टोरी रिमोट विलेज के एक यंग मैन को फॉलो करती है जो कॉमन पीपल के लिए एक एयरलाइन लॉन्च करना चाहता है। अब अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उसे बहुत बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। दोस्तों, ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ साथ लीड स्टार सूर्या और बाकी सभी एक्टर्स की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इस फिल्म को मैजिकल बना देती है। अगर आप एक ट्रू एंटरटेनर, एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म देखना चाहते हैं तो उड़ान सबसे बेस्ट चॉइस है। आप Amazon प्राइम पर इसे फैमिली के साथ जरूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, ये थी अप्रैल 2021 में रिलीज हुई बेस्ट मूवीज। इनमें से कौन सी मूवी आप देख चुके हैं और आपको इनमें से सबसे बेस्ट मूवी कौन सी लगी, ये सब आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस की लिस्ट के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। मूवीज और वेब सीरीज की बेस्ट चॉइसेस के लिए द चॉइस बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।